press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अलवर जिले में रामगढ़ सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी सफिया जुबेर खान ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के सुखवंत सिंह को 12,228 मतों से हराकर जीत दर्ज की है। इससे कांग्रेस में खुशी की लहर है। कांग्रेस ने विधानसभा में अपने 99 के आंकड़े को पूरा करते हुए शतक लगा लिया है। वहीं बसपा प्रत्याशी जगत सिंह तीसरे नंबर पर रहे। अलवर जिले की रामगढ़ सीट पर 28 जनवरी को मतदान हुआ, जिसमें करीब 80% मतदान हुआ, जिसके लिए 278 बूथ बनाए गए थे। चुनाव में कांग्रेस से सफिया जुबेर खान, भाजपा से सुखवंत सिंह और बसपा से जगत सिंह सहित 20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। आज सुबह 8 बजे अलवर के बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय में मतगणना शुरू हुई। मतगणना 14 टेबल पर 20 राउंड में पूरी हुई। कांग्रेस प्रत्याशी शुरू से ही आगे रही। इस दौरान भाजपा के सुखवंत सिंह 17वें राउंड में मतगणना स्थल से अपनी हार मानकर चले गए और जगत सिंह तो मतगणना स्थल पर पहुंचे ही नहीं। 12 बजे तक चली मतगणना में कांग्रेस की सफिया खान को 83,311 और भाजपा के सुखवंत सिंह को 71,083 व बसपा के जगत सिंह को 24,156 मत मिले। इसमें सफिया खान 12,228 मतों से विजयी रही। उन्हें चुनाव अधिकारी ने जीत का प्रमाण पत्र भी जारी किया। परिणाम की घोषणा आरओ साहब ने कर दी है। जैसा कि आपको पता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की सफिया खान जी 12,228 मतों से विनिंग रही है। अब वो रिटर्निंग ऑफिसर से एज ए विधायक की शपथ लेंगे, उसके बाद से विनिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आई सफिया जुबेर, हैविंग बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट टू फिल अ सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोलेमनली अफर्म दैट आई हियर फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड एंड दैट आई विल अपोर्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। साइन करा। जीत के बाद मतगणना स्थल पर कांग्रेसी समर्थकों ने सफिया जुबेर खान और कांग्रेस के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान श्रम मंत्री टीकाराम जूली, जुबेर खान और सफिया खान ने सभी का आभार जताया। प्रमुख ने बहुत ज्यादा काम मैंने कराए थे, बल्कि सभी लोगों को नाराजगी रहती थी, मैडम आप सारा काम रामगढ़ ले जाते, ये आम विधायकों की शिकायत रहती थी, बल्कि जो ज्ञान यहाँ से विधायक थे वो धरने में बैठ गए। ये जिला प्रमुख जो सारा काम रामगढ़ ले जाती है, मैंने कहा हमारे विधायक को आपको तो खुश होना चाहिए कि विकास मैं कराती हूँ और वोट आप मेरे छीन के ले जाते हो, क्योंकि वो मुझे लगता है उन्हें सोचे बिना समझे जिला परिषद में धरना देंगे। उसका नतीजा बिल्कुल उसका नतीजा ये है कि जनता जानती है कि हम काम कराने में विश्वास करते हैं, लोगों को पूरा समय देते हैं, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़े रहते हैं। अब गो किसी के रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे? पहले तो हम छोटे छोटे कैंप्स लगाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे इससे हट जाए, बल्कि ये गो तस्करी रामगढ़ से नहीं होती, ये आगे से आती है, एक रूट है, रामगढ़ से होके ये आगे कहीं चले जाते हैं। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इस तरह के कामों को रोके जो गैर कानूनी है, और सख्त से सख्त जब पकड़े जाते हैं सख्त से सख्त सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए, और जिस थाने के एरिया में ये होगा उस थाने को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उस थाने के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। परिणाम है और पहली बार रामगढ़ में पिछले 10 साल के बाद लोगों ने विकास और भाईचारे के नाम से वोट दिया है, सांप्रदायिकता जातिवाद को नकारा है। आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व की सरकार है, जो अशोक सचिन पायलट जी प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में है, और राहुल जी के आशीर्वाद से जीत रामगढ़ की खुशी कांग्रेस ने जीती। विकास का मुद्दा अब कितने है, जो काफी आपने बात की थी, अब क्या मुद्दे आपके रहेंगे जिनको आप प्राथमिकता से करवाएंगे? विकास का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है, और वहाँ और भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, पेयजल से जुड़े हुए हैं, विद्युत से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दे हैं कि पिछले 5 साल की सरकार बीजेपी की थी, कोई इलाके में रामगढ़ में कोई काम नहीं हुआ, बहुत काम है, लोगों को समस्या है, उनके ऊपर मंत्री जी हमारे हैं, टीकाराम जूली जी जिलाध्यक्ष हैं, इनके सहयोग से नेतृत्व से विकास करेंगे इलाके का। मिली है तो किस तरीके के आपके जो मुद्दे रहे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के जिले के सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को और रामगढ़ की जनता को देना चाहूँगा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पे आशीर्वाद बनाया, विश्वास जताया, और खास तौर से एक बहुत बड़ी चुनौती थी राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में पहला चुनाव था, और इस चुनाव से आने वाले लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी असर पड़ता,
जनता ने कांग्रेस पार्टी का पूरा साथ दिया, सहयोग दिया और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जो एक सांप्रदायिकता, जाति धर्म संप्रदाय की बातें फैला के चुनाव लड़ती रही है, इस बार इस चुनाव के अंदर जनता ने उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है, उन सबको नकारते हुए कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रत्याशी को जिताया है। मैं ये कहना चाहूँगा एक पूरी रणनीति आदरणीय भाव जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देशन में ये सारी चीज बनी और उसका नतीजा आज साफिया खान जी हमारे बीच में विधायक के रूप में रामगढ़ से निर्वाचित हुई है। अलवर के पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के निवास पर सफिया खान की जीत के बाद बधाई देने वालों की भीड़ देखी गई। इस दौरान जितेंद्र सिंह ने इसे कांग्रेस की नीतियों की जीत बताया, साथ ही आगामी लोकसभा चुनावों में 25 की 25 सीट जीतने का दावा भी किया। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी सफिया खान फूलबाग पहुंची, जहां उनका और जुबेर खान का माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान लड्डू भी बांटे गए। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा जोश है कार्यकर्ताओं के अंदर, जनता के अंदर, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव जीतेगी और इस चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी जो जहर फैलाती है, जो आपसी में झगड़े फसाद करवाती है, जातियों के ऊपर, धर्मों के ऊपर चुनाव लड़ती है, उसको नकार दिया है रामगढ़ की और अलवर की जनता ने। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।